आज राजस्थान के लिए गौरव का दिन है। जब राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है, आप विकास पुरुष हैं, आप आधुनिक भारत के कर्णधार हैं, विकसित भारत के शिल्पकार हैं। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस राइजिंग राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, इस राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की शुभारंभ के अवसर पर पधारने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के प्रति आपका स्नेह के लिए मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से, सभी प्रवासी भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज के समारोह में उपस्थित उद्योग जगत के सितारों, निवेशक बंधुओं, विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधिगणों एवं प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों का, साथी मंत्रीगणों का, अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का, उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों का भी इस समिट के उद्घाटन सत्र में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज राजस्थान के लिए गौरव का दिन है। जब राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है, आप विकास पुरुष हैं, आप आधुनिक भारत के कर्णधार हैं, विकसित भारत के शिल्पकार हैं। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आपके प्रयासों के कारण ही देश और देशवासियों का सम्मान पूरी दुनिया में इतना बढ़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है ही, इसके साथ ही यह निवेश और विकास की असीमित संभावनाएं भी हैं। विशेषकर यहां का मिनरल खनिज के क्षेत्र में, पेट्रोलियम के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश कर अच्छा लाभ अर्जित किया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य लेकर सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यह समिट इस क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह समिट विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। हमने राज्य बजट में पूंजीगत व्यय को पिछले बजट के मुकाबले 65%
बढ़ाया है। राज्य में पहली बार एक साथ 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम हाथ में लिया है। राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को 5 सालों में 30 गीगावाट से 125 गीगावाट तक ले जाने के लिए पूरी तेजी से कार्रवाई की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी परियोजना पर एक साथ काम प्रारंभ कर दिया है, जिससे प्रदेश के हर कोने में पेयजल की सुलभ उपलब्धता के साथ ही खेती और उद्योगों को भी पर्याप्त जल हो सकेगा। प्रदेश में हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही हमने समिट का आयोजन इसलिए किया है ताकि प्राप्त निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए समय सभी आवश्यक कदम ठीक ढंग से और समय पर उठाए जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन से ही राज्य में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें 32 देशों द्वारा भाग लिया जा रहा है। हमने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों को प्रोत्साहन करने के लिए न केवल 10 नई महत्वपूर्ण नीतियां लागू की हैं, बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में निवेश को लेकर एक अभूतपूर्व माहौल बना है। इस समिट के प्रारंभ होने से पूर्व ही 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू संपादित किए जा चुके हैं, जो निवेशकों द्वारा राज्य के प्रति व्यक्त किए गए विश्वास को स्वयं दर्शाते हैं। हमने निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न देशों और प्रदेशों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्या का तत्काल समाधान किया जा सके। इस समिट में 12 सेक्टर केंद्रित सेशन है एवं 8 कंट्री सेशन के साथ प्रवासी राजस्थानी एवं एमएसएमई पर भी विशेष सेशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें केंद्र एवं राज्य के माननीय मंत्रीगणों के साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ एवं निवेशक एक साथ बैठकर राज्य में और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर के हमारे प्रवासी राजस्थान भाई बहन इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मातृभूमि को कर्म भूमि बनाने के लिए अत्यधिक उत्साह के साथ जुड़े रहे हैं। मैं आज के अवसर पर उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस समिट के आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सुझावों के लिए पूरे राज्य की ओर से सादर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, जिससे कम समय में भी इस समिट का इस बृहद स्तर पर आयोजन संभव हो सका है। आइए हम सब मिलकर इस समिट के माध्यम से प्रारंभ हो रही राज्य की नई विकास यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लें। इस समिट को सफल बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश की आठ करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।